सो एक बार फिर तो किसानों वालों मुड़ दिल्ली अंदोलन शुरू किया जा रहा है। इसको दिल्ली अंदोलन दो का नाम दिता गया। किसान यूनियन ने दावा किया है कि दिल्ली अंदोलन दो देशव्यापी बनन जा रहा है। इसलिए देश भर दिया 100 संघर्षशील जथेबंधियां ने किसान मजदूर मोर्चा का गठन किया। इस किसान मजदूर मोर्चा ने 13 फरवरी तो दिल्ली में अंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। दरअसल देश भर दिया करीब 100 संघर्षशील जथेबंधियां ने दिल्ली में किए जाने वाले अंदोलन लिए एकजुट होकर किसान मजदूर मोर्चा का गठन किया। किसान आगू सरवण सिंह पंधेर, जसविंदर सिंह लोंगोवाल, सुरजीत सिंह फूल ने चंडीगढ़ के किसान भवन च पत्रकारों नाल गलबात करदिया कहा, दिल्ली अंदोलन दो देशव्यापी बनन जा रहा है, जिसनों सुचजे ढंग नाल चलाउण लई मोर्चे वालों वख-वख सूबिया तो आगुआं दी तालमेल कमेटी बनाई गई है। उन्हां कहा तालमेल कमेटी च केरल तो दो, तमिलनाडु तो पांच, राजस्थान तो एक, बिहार तो एक, उत्तर प्रदेश तो एक, मध्य प्रदेश तो एक, पुडुचेरी तो एक, हरियाणा तो एक, पंजाब तो 3 मैंबर नामजद किए हैं। इस तो अलावा प्रेस कमेटी, फंड कमेटी, लिखित पड़त कमेटी, आई टी सैल का गठन किया गया है। किसान आगू ने कहा कि किसान मजदूर मोर्चा लोक हितों की रक्षा लिए देश भर दियां संघर्षशील जथेबंधियां ते आम लोगों नूं नाल लैके 13 फरवरी तो दिल्ली में अंदोलन शुरू करने लई रवाना होगा।